मारुति अपनी 7-सीटर कार वेगनार को लॉन्च करने वाली है। बढ़ती डिमांड और मार्केट में लोगों से अच्छा रिस्पांस मिलने के चलते कंपनी अब बड़ी फैमिली के लिए बेहतर ऑप्शन लेकर आ रही है। सूत्रों की माने तो कंपनी इस कार को अगस्त में लॉन्च कर सकती है। कंपनी इसकी शुरुआती कीमत 5.2 लाख रुपए रख सकती है। मारुति सुजुकी की वेगनार सबसे पहले 1993 में लॉन्च हुई थी और तब से अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से ये कार एक है। गौरतलब है कि छोटे साइज की होने के बावजूद इस कार में काफी स्पेस दिया गया है, जो ड्राइवर और पैसेंजर के लिए काफी आरामदायक है। इस कार को लोगों ने खूब पसंद भी किया। खबरों के मुताबिक इस कार के नए वेरिएंट में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। मारुति वेगनार 3 मॉडल्स में लॉन्च होगी। आर बेस, आर टॉप और आर सीएनजी के नाम से ये तीनों मॉडल जाने जाएंगे। दिल्ली में आर बेस की एक शोरूम अनुमानित कीमत 5.2 लाख रुपए, आर टॉप की 6.5 लाख रुपए और आर सीएनजी की 6.3 लाख रुपए हो सकती है। वेगनार 7-सीटर लिमिटेड एडिशन में कार का बॉडी ग्राफिक्स नया दिया गया है। इसके साथ ही कुछ और नए फीचर्स इस कार में दिए जाएंगे, जैसे कीलेस एंट्री के साथ सेंट्रल लॉकिंग, सिक्योरिटी अलार्म, डुअल टोन डैशबोर्ड, ब्लूटूथ के साथ डबल टिन स्टीरियो, प्रीमियम सीट फैब्रिक के साथ रियर पावर विंडो। इसका फ्रंट और बैक दिखने में पुरानी वेगनार जैसा ही होगा। कार के इंजन की बात करें तो इस कार में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 84 BHP के पावर के साथ 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। कंपनी नई वेगनार के साथ CNG ऑप्शन देने वाली है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY News, हमेशा सच के साथ।